ਕਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰਾ। जिन हाथों में हमेशा हथियार देखे भारतीय सेना के जवानों में अत्याधुनिक हथियार देखे, उन हाथों में आज अनार और दिए जलते देखे। जी हाँ, देश भर की सेवा करने वाले, हर नागरिक की सेवा करने वाले भारत के वीर जवान आज बॉर्डर पर दिवाली मनाते हुए, आपको बता दें कि जिन हाथों में हमेशा हथियार देखे आज उन हाथों में दिए जलते देखे। हो भी क्यों ना, आज दिवाली है और महादिवाली का पर्व मनाने के लिए हमारे जांबाज जवान जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। साल के 365 दिनों में बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं, लेकिन दिवाली महापर्व त्योहार है, तो यहाँ पर दिवाली मनाना बॉर्डर पर और घर पर क्या बदलाव? जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हम साल में 10 महीने रहते हैं और 2 महीने हम घर पे रहते हैं। हमारी दिवाली जो है यहीं पे हमारी दिवाली है, और हम आज देश की सुरक्षा के लिए LC के ऊपर खड़े हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतवर्ष देश की सुरक्षा करने का मौका मिला है, और हम देशवासियों को ये पैगाम देते हैं कि आप खुशी से आप दिवाली मना रहे हैं, हमें खुशी है और हम खुश हैं और हम दिवाली मना रहे हैं। बिल्कुल चैन से हर नागरिक देश का जो है वो चैन से, सुख चैन से वो त्योहार मनाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जाकर दिन रात रक्षा सुरक्षा करने के लिए उनके लिए यहाँ पर तत्पर तैयार हो। लेकिन आज दिवाली है, बहुत सारे विसाखी, बहुत सारे होली, बहुत सारे त्योहार आते हैं, घर की याद आती है? घर की याद नहीं आती, क्योंकि मैं यही हमारा घर है, क्योंकि ज्यादा दिन हम इधर ही रहते हैं साल में, घर में तो हमने 2 महीने जाना है, तो इसलिए यही हमारा घर है। लेकिन फिर भी महसूस तो होता होगा कि परिवार के साथ भी? महसूस नहीं होता, क्योंकि यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। ये कह सकते हैं कि ये घर से ज्यादा बड़ा परिवार तो यहाँ पे है? हाँ जी, ये घर से ज्यादा बड़ा परिवार है, क्योंकि हमने सारे साल में 3 महीने घर पे रहना है और 10 महीने यहाँ पे रहना है, इसलिए यही सबसे बड़ा परिवार है। आज दिवाली है, महापर्व है, जश्न का माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमारा यही परिवार है, तो 10 महीने हम यहीं पे रहते हैं, तो हमारे लिए यही दिवाली का परिवार है। ये तो भारी भरकम हथियार आप देख रहे हैं जवानों के हाथों में, हथियार भी देखे, हमने दिए भी देखे, हमने दिए जलते हुए तस्वीरें भी आपको दिखाई कि इस तरीके से अपने हाथों पर इन्होंने अपनी हथेलियों पर दिए जलाए, यहाँ पर सजाए, और ये जो दिए हैं, ये दिए दियों की रोशनी बता रही है कि अब भारतवर्ष में वो जो आतंक का अंधेरा है वो दिवाली के कुछ ही दिनों बाद खत्म होने वाला। हालांकि छुटपुट छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन ये जवान, इनका कहना है कि चाहे हथियार हमने पकड़े हैं, चाहे आज दिए भी दिवाली के दिन पकड़े हैं, लेकिन हथियारों के साथ दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हथियारों, ये अभी क्या है कि ये हमारी जो परंपरागत है, हमारा ये दिवाली का एक त्योहार है, मनाना ही है इसको, चाहे घर में चाहे यहाँ पे है, इसको मनाना ही है। लेकिन जो जिस चीज के लिए हम यहाँ पे जिम्मेवार हैं, जिस चीज के लिए बैठे हैं, वो चीज तो हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे जो आगे आ रहा है। हाँ जी, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय सेना के हर उस जवान पे है जो भारी भरकम हथियारों के साथ LOC पे खड़ा है, लेकिन इन आज खासकर जो दिवाली का पर्व है, चाहे कोई भी पर्व हो, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि साल में 10 महीने तो यहाँ पर रहते हैं, 2 महीने सिर्फ घर रहते हैं, तो बड़ा परिवार कौन सा? वहाँ जहाँ पर अपने मित्रों के साथ, अपने जवान साथियों के साथ देश की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। घर की याद आती होगी, लेकिन कम भी आती है, ज्यादा भी आती है। मन तो किस जवान का नहीं करता घर जाके अपने परिवार के साथ हर फेस्टिवल मनाए, लेकिन यहाँ पर अपने साथियों के साथ पर्व मनाने में अलग ही आनंद है, क्योंकि देश की रक्षा भी करनी है। और कहदा तैनू फौज विच पाया पुत्रा, भैण दे विआह ते वी ना आया पुत्रा। ऐतकी दिवाली नू तां आ जा लाडिया ओए लगे, इंज जिवें उत्थे घरवाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंज दे मां साडी, बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंज दे मां साडी, बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। थैंक यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। न्यूज़ 18 इंडिया ने LAC पर आकर दिवाली तो मनाई, लेकिन इन जवानों के एक भावपूर्ण गाने से ये एहसास हो रहा है। इनका कहना है पंजाबी में कि बॉर्डर पर हमेशा कानों पर गोलियों की आवाजें सुनाई देती है, यहाँ पर तो हमारी रोज दिवाली होती है।